Yo, what's happening guys? My name is Loggy और आज हम फिर से एक brand new Minecraft वाली दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ओ भाई साहब guys, मैं कब से यहाँ पर guys इस रेगिस्तान के अंदर घूम रहा हूँ, मैं कब से guys यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और फाइनली मैं यहाँ पर गांव के अंदर पहुंच चुका हूँ। तो चपाती भाई ने आज मुझे एक नए कोऑर्डिनेट्स देकर रखे हैं और उन्होंने बोला है कि इस गांव के अंदर आओ और मैं खड्डे के अंदर गिर गया यार। तो मैं ये कह रहा था गाइस कि चपाती भाई ने बोला है कि आज इस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर मुझे जाना है और भाई साहब यार अगर गाइस गांव की तरफ देखे तो क्या मेंटेनेंस यहां पर हो रही है। यहां पर ये देखो गाइस एक भाई अनजान सी गाड़ी भी खड़ी है, यहां पर डॉलर स्टोर भी बना हुआ है और अगर मैं आसपास देखूं तो गाइस यार ये वाला गांव तो बहुत ज्यादा बिजी लग रहा है। सामने वेपन का स्टोर भी बना हुआ है और अगर मैं इस तरफ आऊं तो वो देखो सामने एक मोटा सा बैंक भी बना है जिसके ऊपर भाई नेदरराइट की ब्लॉक्स भी लगी हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला गांव बहुत ज्यादा रिच है। तो आई थिंक गाइस चपाती भाई आज मुझे एक खतरनाक चैलेंज देने वाले हैं और उससे आई थिंक गाइस मैं पूरा अमीर होने वाला हूं। लेट्स गो। और चपाती भाई से याद आया वो है कि थियो, हेलो चपाती भाई कहां पे हो? हेलो किथे है तू भाई? मैं ये रहा डॉलर स्टोर के बाहर खड़ा हूं, आप कहां पे? अच्छा ये रहे डॉलर स्टोर के अंदर ही है। डॉलर स्टोर के अंदर गाइस एकदम सारी चीजें एक-एक डॉलर में मिलती है भाई, मैंने पूरा स्टोर ही लूट लिया। मुझे पता है भाई यही तो पॉइंट होता है। क्या कर रहे हो भाई, क्यों इनोसेंट बकरी को मार रहे हो? तू क्या कर रहा है यहां पर भाई? आपने तो मुझे यहां पर बुला के रखा है यार, आपने मुझे बोला था फोन के ऊपर कि मैं अमीर यहां पर आज बनने वाला हूं। अरे अमीर बनने के लिए बहुत पापा बेलने पड़ते हैं, ये बच्चों का खेलने निकल जाते हैं। बॉर्डर तेरे को वार्निंग दे रहा हूं, ये देख तेरी बात सुनकर चिकन में निकल गया भाई। वो तो चिकन है भाई, नादान चिकन है। लेकिन एनीवेज भाई मुझे आप मुझे पता है मुझे डेफिनेटली कोई ना कोई चैलेंज देने की सोच रहे हो। मैं इस शहर के अंदर आया था ना तो मेरे पास सिर्फ एक पैनी थी, एक पैनी। अच्छा ऐसा क्या? मैंने बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी करके रखी हुई है। काय की एम्पायर? ये डॉलर स्टोर आपका है क्या? स्टोर है, मारूंगा तेरे को। अच्छा सॉरी सॉरी सर जी। और चलो भाई बताइए भाई अभी आपका पॉइंट क्या है? और आज मैं चाहता हूँ कि तू भी उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते से मैं चल के आया हूँ। भाई साहब इसका मतलब ये गाइस कि चपाती भाई आई थिंक मुझे चैलेंज देना चाह रहे हैं कि मुझे एक दिन पे पूरा पैनी के ऊपर सर्वाइव करना है। अभी तेरा चैलेंज सिंपल है भाई। बोलो बोलो तेरे को मारना पड़ेगा। क्या हेल्थ मेरी गई है और इन्वेंटरी खाली करनी है और ये रही तेरी एक पैनी, अभी तेरे को सर्वाइव करना है इस पैनी के ऊपर। भाई साहब अच्छा ये है आपका चैलेंज क्या? मुझे तेरे को क्लोजली मॉनिटर करना है कि मैं देखूंगा तू एक्चुअली कर सकता है कि नहीं कर सकता। अरे मैं कर पाऊंगा तो ये तेरे को गाड़ी गिफ्ट मिलेगी वाली। अच्छा ये वाली गाड़ी यार। तो इसका मतलब ये कि गाइस नेक्स्ट टाइम जब चपाती मैं मुझे बुलाएंगे तो मुझे भाग के नहीं आना पड़ेगा, ड्राइव करके आना पड़ेगा। चले तो भाई मुझे देखने की लॉगी कैसे करता है, लेट्स गो। अरे मैं कर पाऊंगा, वैसे गाइस मैंने बोल तो दिया कि मैं कर पाऊंगा लेकिन गाइस मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि मैं कहां से शुरू करूं। तो प्लीज गाइस एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी थोड़ी बहुत यहां पर हेल्प हो जाए, क्योंकि गाइस वन पैनी के ऊपर सर्वाइव करना वो भी पूरे दिन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो अभी मुझे यहां पर शुरुआत करनी है और गाइस सबसे लॉजिकल तरीका मेरा यही है कि मैं एक पैनी वाली चीज यहां पर खरीदूं और उसको बेचूं डबल में। लेकिन एक पैनी का तो कुछ आता भी नहीं है यहां पर। अरे यहां पर कुछ ना कुछ तो होता ही होगा भाई एक पैनी का। एक काम करते मैं शुरुआत ही करूंगा डॉलर स्टोर के अंदर से, क्योंकि यहां पर हर एक चीज डॉलर या कम से मिलती है भाई। ओके ठीक है, ट्राई कर ले, ट्राई कर ले। क्या मिल सकता तेरे को यहां पर? आ जाओ भाई मैं कैशियर के साथ बात करता हूं। और हेलो सर जी ये पैनियों का यहां पर क्या बेच रहा है? अरे तो लेफ्ट साइड आता है पैनियों वाला और अगर मैं टॉप में देखूं तो यहां पर एक डंडी मुझे एक पैनी की मिल रही है। तो एक काम करते हैं मैं यहां पर डंडी खरीद लेता हूं और मेरे पास एकदम से सही टैक्टिक है। मैं सोच रहा हूं कि यहां पर मैं वेपन शॉप के अंदर जाता हूं क्योंकि गाइस ऑब्वियसली वो सर जी वहां पर वेपन्स बनाते हैं और वेपन बनाने के लिए उसको डंडियां तो चाहिए ही होंगी। ओ गुड आईडिया लॉगी, तू भी मेरी तरह शातिर दिमाग की तरह सोच रहा है भाई। एकदम तू भी इलन मस्क की तरह बनेगा भैंस की आंख, चल घुस जा अंदर। मैं इसको ये डंडी भाई सही महंगी प्राइस में बेच के ही दिखाऊंगा। आ जाओ भाई वो गधा नहीं है, ठीक है चल। ओके हेलो सर जी कैसे हो भाई? इसके पास क्या-क्या वेपन्स यहां पर आ चुके हैं डायमंड और गोल्ड के। तो ओके गाइस अभी मुझे इसको डंडी ट्रेड करनी है और ये मुझे एक डंडी गाइस एक डॉलर का दे रहा है। तो एक काम करते चलो मैं ले लेता हूं यार। तो ये देखो मैंने एक पैनी का एक डॉलर ऑलरेडी मैंने कर दिया यहाँ पे। ऑलरेडी मेरे पास एक डॉलर आ चुका है। अरे तू तो कुछ ज्यादा तरक्की कर रहा है, लेट्स गो। और अभी हम फिर से जाएंगे डॉलर स्टोर के अंदर और अभी तो गाइस मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत और चीजें यहाँ पर खरीद सकता हूँ। लेट्स गो लॉगी, गाइस पूरा फंडा समझ में आ चुका है और मेरे को लॉगी पर पूरा भरोसा है कि ये बंदा बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला है। मैं बन के ही दिखाऊंगा। ओके हेलो कैशियर सर जी कैसे हो? तो गाइस ये एक डॉलर की यहाँ पर बहुत सी चीजें बेच रहा है लेकिन गाइस मुझे वो वाली चीज खरीदनी है जो सबसे ज्यादा लोग बाय करे और एक्चुअली लॉजिकल चीज है। तो मैं सोचू कि मैं यहाँ पर एक डॉलर की 25 कुकीज ले लूं क्योंकि गाइस कुकीज सबको पसंद आती हैं। ओके भाई, भाई मैंने नीचे ही फेंक दी यार, बिल्कुल लूट के लेके जा रहा वो एक डॉलर की 25 कुकीज कौन बेचता है? ओके इतनी तो रियल लाइफ में नहीं मिलती। ओके चपाती भाई आप खरीदोगे क्या कुकी? हाँ वैसे मेरे कुकी बहुत पसंद है तो एक काम कर मेरे को एक दे दे। हाँ ये लो भाई मैं एक, लेकिन मैं एक कुकी बेच रहा हूँ 25 सेंट में। तो मैं एक डॉलर की 25 कुकीज की क्यों ना ले लूं? दुकान बंद हो चुकी है, आ जाओ बाहर लूटने की कोशिश कर रही है भाई। यार चपाती भाई ने तो गाइस टैक्टिक मेरी सोच ली यार। तो अभी आई थिंक यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत
मार्केटिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो आइए आइए कुकीज लीजिए, 25 सेंट्स एक कुकी का। मैं यहाँ पर कब से गाइस यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ लेकिन एक भी बंदा यहाँ पर कुकी लेने के लिए नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ट्री तोड़ता हूँ और इसी ट्री का मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक साइन, और गाइस वही साइन फिर मैं कहीं पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है सेलिंग कुकीज फॉर 25 सेंट्स। और एक काम करते हैं गाइस, बंदों को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसे घंटी भी बजा देता हूँ। लेट्स गो। अभी गाइस देखो कैसे लाइन के ऊपर कस्टमर आएंगे। ये देखो गोलम तो ऑलरेडी आ चुका है। तो आई थिंक ये गोलम को एक्चुअली कुकीज खरीद दिए। तो ये लोग गोलम गाइस, ये बंदा मांग रहा है 4 कुकीज और इसका गाइस मुझे अभी $1 मिलेगा। और ये देख रहे हो गाइस मेरे साइन के आसपास यहाँ पर कितने ज्यादा लोग आ चुके हैं और सारी कुकीज मुझसे ले गए। और अगर मैं इन्वेंटोरी खोल के देखूं तो मेरे पास अभी आ चुके हैं $8। लेट्स गो। मेरे को तो टिप भी मिल रही है कुकीज के साथ साथ। व्हाट द हेल, लेट्स गो। तो गाइस मुझे एक्चुअली 25 कुकीज का मुझे $6.50 मिलना चाहिए था, लेकिन गाइस एक अच्छा बंदा आया, उसने मुझे थोड़ी सी टिप भी दे दी। पक्का मेरे पर गया होगा। चल आगे बढ़। रहने दो भाई, आपके ऊपर अगर बंदा गया तो वो अगले दिन ही गरीब हो जाएगा। चल अभी कहां पर जा रहा है भाई? अभी मुझे फिर से डॉलर स्टोर के अंदर जाना है क्योंकि मुझे अपने लिए भी थोड़ा बहुत खाना खरीदना है यार, क्योंकि मेरी हंगर काफी कम हो चुकी है। ओके, मतलब कि अगर अपने लिए खाना खरीदेगा तो उसके पैसे कम हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्या करने वाला है लोग यहाँ पर। और सर जी, तू यहाँ पर क्या बेच रहा है? एक काम करते यार, मैं फिर से यहाँ पर कुकीज ले चलता हूँ क्योंकि गाइस कुकीज यहाँ पर सबसे ज्यादा सस्ती हैं और क्वांटिटी में सबसे ज्यादा भी यही है। सेम बिजनेस तू दो बार ही कर रहा है। अरे भाई, आई थिंक सबको अभी पता चल चुका है कि मैं कुकीज का स्कैम यहाँ पर कर रहा था। तो एक काम करते हैं, अभी कुछ और करते हैं यार इस गाँव के अंदर। तो अगर मैं आसपास यहाँ पर घूम के देखूं तो मैं यहाँ पर ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं और ज्यादा पैसे कमा सकूं? अरे ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये चपाती भाई, ये टेंट यहाँ पर किसने लगा के रखे? ये गेम चल रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली तू जैकपॉट यहाँ पर जीत सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड है ये। अच्छा, ये देखो भाई, दो बंदे तो ऑलरेडी वहाँ पर खेल रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, एंटर द चैलेंज फॉर $1 और विनर को $20 मिलेंगे। ये तू कभी कर ही नहीं पाएगा। चल ट्राई करते हैं। ये तो एक्चुअली सही है। तो एक काम करते हैं, एक मिनट, मुझे पहले सर जी से यहाँ पर टिकट खरीदनी है। भाई तेरा $1 गया, तेरा एक बक्का $1 तेरा गया। हाँ भाई, मेरा $1 तो यहाँ पर जा चुका है, लेकिन अभी मेरे पास टिकट भी आ चुकी है। ओके, अभी करेगा क्या तू टिकट का? तो आई थिंक सिंपल है गाइस, अगर मैंने सारे भाई यहाँ पर लैंप चला दिए तीर कमान के साथ तो आई थिंक मुझे जैकपॉट मिलेगा, वो भी $20 का। लेकिन गाइस मैं एक भी शॉट यहाँ पर मिस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर गाइस टोटल है 8 टारगेट्स और मेरे पास 10 तीर आ चुके। तो इसका मतलब ये कि मुझे 2 तीर एक्स्ट्रा भी मिले हैं। तो एक हो चुका है। वही तो यार, मैंने 2 ऑलरेडी चला दिया यार, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ। लेट्स गो। और अभी मुझे सीधा बीच। अरे यार गाइस, मैंने 2 तो मिस कर दी है यार। 2 चांसेस है, तूने दोनों मिस कर दिए। गाइस मेरे पास यहाँ पर 2 तीर एक्स्ट्रा तो थे। बहुत अच्छा कर रहा है। वही तो यार, और अभी आता है सेकंड लास्ट वाला। और लेट्स गो, मैंने सीधा यहाँ से तीर चला दिया। और अभी आता है फाइनल तीर। लास्ट तीर बचा हुआ, अगर तूने ये मिस कर दिया तो गया। और ये वाला तो ऑफ पड़ गया। और वो देखो भाई, सारे अभी ऑफ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि मैं चैलेंज जीत चुका हूँ। लेट्स गो। ये लो भाई, ये घटिया सा तीर आप ले लो। और अभी आई थिंक गाइस मुझे यहाँ से अपना प्राइस क्लेम करना है। लेट्स गो, और निकालो यहाँ से $20। और अभी मेरे पास टोटल में आ चुके हैं $26। जबरदस्ती कर रहा है यार तू, तो बहुत अच्छा कर रहा है भाई। मैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा हूं। चल अभी तेरे को अभी $100 कन्वर्ट करने। कम तू कर सकता है? नहीं कर सकता $100 यार, कोई बात नहीं, मैं करके ही दिखाऊंगा। चल 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 आगे बढ़, तू बहुत सही कर रहा है भाई। मैं बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ। गाइस अभी मुझे यहाँ पर लोकल यहाँ पर कोई ना कोई जॉब यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं ये बंदे को देख रहा हूँ यार। ये देखो गाइस कितना मैला हो चुका है यार ये वाला बंदा। तो आई थिंक ये यहाँ पर घास काट रहा है। तो अगर मैं इसके साथ बात करके देखूं तो हेल्प मी कट द ग्रास फॉर अनदर $20। भाई साहब यार, लेट्स गो भाई, $20 मुझे देगा गाइस घास काटने के लिए। तो यार ये तो एकदम से परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। और गाइस मैं अंदर से जाकर वहां पर शेयर खरीद सकता हूँ, लेकिन गाइस मैं अपना डॉलर बचा कर ही रखूंगा। मुझे गाइस अभी यहाँ पर सारी ग्रास तोड़ दिया, वो भी हाथ के साथ, बिल्कुल डोरेमोन की तरह। उसके अंदर भी गाइस ऐसे ही गाइस 9 बजे तक घास काटता था। तो उससे मुझे बोल के रखा है कि जो इसके घर के आसपास जो घास है मुझे सारी वो वाली काट दिया। तो गाइस मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर भी काट लेता हूँ, ये वाली भी काटो और ये वाली भी। और अभी अगर मैं ऐसे पीछे आऊँ तो ये देखो भाई, इसका एरिया कितना ज्यादा अभी क्लीन लग रहा है। ओके, अभी जाते हैं $20 ले ले। आ जाओ, अभी मैं $20 लूंगा। तो उससे बोल के रखा है कि चेस्ट के अंदर पड़े होंगे और ये रहे $20। तेरे पास टोटल $46 हो चुके हैं। तो मेरे पास क्या पैसे आ रहे हैं यार, मेरे पास अभी अभी आ चुके हैं $46। तू तो अपनी कंपनी खोल सकता है यहाँ पर। भाई $46 के ऊपर कौन कंपनी खोलता है ब्रो? और गाइस गांव के इस तरफ तो मैं आया ही नहीं हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मुझे एक्चुअली देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है $2 साइन अप का 2 और पर डिलीवरी मुझे मिलेंगे $5। अरे गाइस ये वाली जॉब तो एकदम से सही है। तो एक काम करते हैं, चलो मैं यहाँ पर अपना साइन अप ही कर लेता हूँ। और साइन अप करने के लिए गाइस मुझे $2 देने हैं। और $2 देते ही मेरे पास अभी ये टोपी आ चुकी है जिसका नाम है जॉब हैट। तो जॉब हैट मैं यहाँ पर पहन लेता हूँ। और उसने बोल के रखा है कि मुझे इस चेस्ट के अंदर से डिलीवरी वाला खाना उठाना है। तो तेरे को पता कैसे लगेगा कहाँ पे डिलीवरी करनी है इसकी? अरे ये मुझे अभी बताएगा ना कि मुझे कौन सी चीज कहाँ पे डिलीवर करनी है। और भाई साहब यार, क्या क्या चीजें यहाँ पर लोग ऑर्डर कर रहे हैं, स्टेक और
मछलियाँ और केक, नाइस यार। मैं सोच रहा हूँ पीछे से थोड़ा बहुत मैं मार लूँ, लेकिन गाइस मत मार भाई। वही तो यार, मुझे मारना नहीं है क्योंकि गाइस ये जॉब मुझे पूरी ईमानदारी से करना है, ताकि मुझे भाई थोड़ा बहुत टिप भी मिल जाए। अरे तू तो एकदम से ऊबर ड्राइवर बन चुका है वही माइनक्राफ्ट के अंदर, लेट्स गो। ओके, अभी मुझे यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी बहुत डिलीवरियाँ कर दी है, तो उसने मुझे बोल के रखा है कि यहाँ पर मुझे दो मशरूम सूप यहाँ पर डिलीवर करने इस घर के अंदर। तो पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉक करना है, यहाँ पर कोई है तो नहीं, तो एक काम करते गाइस, आई थिंक वो बंदा फिलहाल बाहर गया है, तो मैं उसका मशरूम सूप यहीं पर ही छोड़ के रख देता हूँ। उसके बाद आता है अपना मछली, और गाइस मुझे मछली कहाँ पे डिलीवर करनी है, आई थिंक उसने बोला था कि गाइस डॉलर स्टोर के सामने जो घर है मुझे वहां पे करना है। और ये ले सर जी, आपकी तीन मछलियां यहाँ पर आ चुकी हैं, और बाकी की दो मछलियां मुझे डिलीवर करनी है इस घर के अंदर। उसके बाद अगर मैं आइटम्स की तरफ देखूं तो मेरे पास सिर्फ तीन आइटम्स और बाकी है, तो इसका मतलब ये कि मुझे सिर्फ तीन डिलीवरियां और करनी है। और अपनी नेक्स्ट डिलीवरी आती है इस घर के अंदर, और यहाँ पर मुझे सर जी के लिए केक रखना है। तो आई थिंक गाइस आज सर जी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। ये पता नहीं क्या कर रहा है, आई थिंक गाइस ये बर्थडे के लिए यहाँ पर खुद के लिए पोशन बना रहा है। कितनी रह गई डिलीवरी सर? भाई मेरी सिर्फ दो डिलीवरीज और बाकी हैं, और अभी गाइस मुझे अपना चिकन यहाँ पर डिलीवर करना है यहाँ पे, ये ले। और अभी फाइनल डिलीवरी आती है, और फाइनल डिलीवरी के लिए सिर्फ एक स्टेक। भाई मुझे लगता है यार ये वाला बंदा थोड़ा बहुत डाइट पे होगा। और इसी के साथ ही गाइस मेरी डिलीवरीज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैंने यहाँ पर टोटल में की हैं 6 डिलीवरीज। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 5x6 मतलब कि $30 यहाँ से मिलेंगे, और यहाँ से मुझे उठाने हैं 6 बारी $5, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और मेरे पास अभी आ चुके हैं $64। और 64 नहीं भाई, $74 आ चुके हैं, मतलब कि तेरे को 26 अभी भी चाहिए। लॉगिंग यू सो क्लोज, कम ऑन। वही तो यार, लेकिन गाइस मैं यहां पर पूरा गांव तो घूम चुका हूं, लेकिन यहां पर एक भी जॉब अभी अवेलेबल नहीं है, तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही और अपॉर्चुनिटी है। मैं सोच रहा हूं कि मैं यहां पर $1 की लॉटरी टिकट खरीद लूं। नो सीरियसली, कहां पर खरीदेगा वो? अगर ये मेरा लक भाई चल गया, भाई अभी मुझे फिर से डॉलर स्टोर के अंदर जाना है, और वहां से मुझे खरीदनी है अपने लिए एक लकी टिकट। ए भाई तेरे को लूटने फिर से आ रहा है, पकड़ ले उसको। मैं लूट नहीं रहा हूं भाई, इसको शॉप से बैन कर ले। ए भाई इसकी बातों में नहीं आना है, और कहां पर है? अच्छा भाई एक लॉटरी टिकट $2 की आती है, चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं यहाँ पर फिर भी $2 दे देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने $2 दे दिया और अगर सामने से मुझे 20 लाख मिल गए तो भाई इसमें मेरा ही फायदा है। और ये टिकट मुझे अभी जल्दी से लेकर जानी है बैंक के अंदर, और वहां से अभी मुझे अपने नंबर चेक करने हैं। कौन सा बैंक तेरे को बोलता है कि लॉटरी की टिकट ले और यहाँ पर चेक करवा? ये कैसा बैंक है? मुझे खुद नहीं पता। ये रहा दी बैंक ऑफ माइनक्राफ्ट, और यहाँ पे लिखा है अदर, इस साइट पे आता है। तो ये ले सर जी, ये प्लीज सर जी मेरी टिकट यहाँ पर चेक कर लीजिए, और मुझे बताइए कि मैं यहाँ पर जीता हूँ कि नहीं। टाइम तो काफी लगा रहा है। ओके भाई उसे मुंह मोड़ लिया, और ये क्या लिखा है? कॉन्ग्रेट्स सर जी, यू वन। अरे लेट्स गो यार, मेरी तो गाइस यहाँ पर भाई पूरी लॉटरी ही लग चुकी है। कितने मिले? एक मिनट भाई, ये बोल रहा है कि अभी अपने पैसे यहाँ से उठा ले। ये क्या लिखा है भाई? क्लेम योर मनी नाउ। और कहाँ से आ रहे हैं मेरे पैसे? ये पड़े हुए हैं। और भाई साहब मुझे यहाँ पर 32 नोट्स मिले, वो भी $100 के। भाई तू तो बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है यार। चलो चपाती भाई हटो मेरे रास्ते से, और अभी मुझे जल्दी से जाना है, और वो फ्री की गाड़ी भी लेनी है आपसे। गाड़ी भी गई और चैलेंज भी जीत गया तू, लेट्स गो। इसी के साथ ही गाइस चपाती भाई का चैलेंज मैंने इजीली बीट कर लिया। तो चलिए गाइस आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी है, तो होप यू एंजॉय। तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो टेक एवरीबॉडी एंड बाय बाय।